अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बना रहे हैं घर पर दही बड़े का मसाला जो होता है। ये काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी, तो ये आप बना करके आराम से इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं और ये आराम से साल भर चलता है। इसे बनाकर फ्रिज में रख लें तो ये ख़राब नहीं होता। हमने इसको ड्राई रोस्ट जो चीज़ें करनी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए साबुत धनिया 3 टेबल स्पून, ज़ीरा 3 टेबल स्पून है, और खुश्क लाल मिर्चें यहाँ पर जो है 20 से 25 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 25 इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर आपने रख करके रोस्ट होने देना है। हमने इसका कोई ख़ास कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अच्छी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है खुश्क मसालों की, एंड दैट इज़ इट। तो ध्यान रखिएगा, धीमी आँच पर रखकर इनको रोस्ट कर लेते हैं। अब एक ग्राइंडिंग में लेंगे और इसमें जो हमने बाकी चीज़ें डाली हैं, सबसे पहले इसमें जाएगी अजवाइन 1 टीस्पून है, लौंग जाएंगी 7 अदद, साबुत काली मिर्चें 1/2 टीस्पून है, ये डालते हैं। और जो भी हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट किया था ये तमाम चीज़ें इसमें डालते हैं और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। जब आप इसे ग्राइंड करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि कम्प्लीटली पाउडर मत बनाइएगा, थोड़ा सा दरदरा रखना है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसका टेक्सचर दरदरा सा है, ठीक है। अब इसमें जो बाकी की चीज़ें जाएंगी, तो सबसे पहले इसमें जाएगा आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, उसके बाद जाएगा काला नमक 1 टीस्पून। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हो, मेक श्योर कीजिए आपके पास तमाम इन्ग्रीडियंट्स हो। काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ों के सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, फिर आपको वो जायका नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको चीज़ का, ठीक है। तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। उसके बाद इसमें जाती है टाटरी 1/2 टीस्पून डालेंगे और नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिए, आप किसी भी प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में रख लें, ठीक है। और आपका दही बड़ा मसाला तैयार हो गया। ये ऊपर लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या है, और जब आपका दिल चाहे आप दही बड़े बनाएं और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कम्प्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर iscookwithfaiza.net पर, बनाइए ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।